दोस्तों, बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आज बोइंग के 10,000 से ज़्यादा फ्लाइट आसमान में उड़ रही हैं। और दोस्तों, कमर्शियल फ्लाइट ही नहीं, आज ये स्पेस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, इनोवेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका कारोबार मिलियन डॉलर्स का होता है। लेकिन दोस्तों, इसकी शुरुआत एक छोटे से लकड़ी के बिजनेसमैन ने की थी। वो शुरुआत में लकड़ी बेचा करते थे और फिर उन्होंने कैसे इतनी बड़ी कंपनी बना डाली, दोस्तों जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी YouTube फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, ताकि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लगातार मिलती रहें। दोस्तों, दौर था 1881 का। 1881 में विलियम एडवर्ड बोइंग, इनका जन्म होता है। और इनके पिता वहाँ पर अमेरिका में लकड़ी का व्यापार किया करते थे। लेकिन जब इनकी आयु केवल 6-7 वर्ष की ही थी तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और जो सारा कारोबार का जो बोझ है वो विलियम बोइंग के कंधों पर ही आ गया। लेकिन विलियम बोइंग ने भी अपने पिताजी के उस कारोबार को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट होने लगा। अच्छा खासा पैसा आने के बाद फिर इन्होंने अमेरिका के एक ऐसे जगह पर काफ़ी सारी ज़मीन खरीदी जहाँ पर लकड़ियों का काफ़ी सारा जंगल था, जिससे लकड़ियों को काटकर और फिर उनको बेचा करते थे। इस तरह से इनका जो बिजनेस था वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी दौर आ गया 1903 का, और 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का कॉन्सेप्ट भी तैयार किया और अमेरिका में पहली बार हवाई जहाज मार्केट में आया। वहाँ पर फिर विलियम बोइंग को हालांकि उस समय तक कोई जानकारी नहीं थी कि हवाई जहाज होता क्या है, वो कैसे उड़ता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इनको जब जानकारी हुई कि भैया ऐसी चीज़ भी कोई मार्केट में आ चुकी है, तो इन्होंने, क्योंकि इनके पास बिजनेस था, पैसे आ ही चुके थे, तो इन्होंने अपना एक हवाई जहाज खरीद लिया और उसको खुद ही उड़ाना शुरू किया। लेकिन जब इन्होंने खुद से अपना एयरप्लेन उड़ाया तो वो क्रैश हो गया। हालांकि वो इतना मेजर क्रैश नहीं था, हल्का क्रैश था। लेकिन जब उन्होंने कंपनी से इसकी रिपेयरिंग कराने के लिए कहा तो उन्होंने उनको काफ़ी लंबा टाइम दिया। तो वहीं से फिर विलियम बोइंग के मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम खुद की ऐसी कंपनी बनाएं जो लोगों को हवाई जहाज बना कर दे, साथ ही साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखे। यहाँ से विलियम बोइंग के मन में ये कॉन्सेप्ट आया हवाई जहाज बनाने का। तो फिर साल 1916 में विलियम बोइंग ने एरो प्रोडक्ट नाम की कंपनी बनाई, जिसमें ये जहाज बनाने का काम करने लगे। अब 1916 में कंपनी शुरू तो कर दी थी, लेकिन विमान के डिजाइन करने पर, उसको पूरी तरह से फाइनल करने पर लगभग 1.5 साल का वक्त लग गया। और साल 1917 के दौर में इन्होंने एक जो जहाज का प्रोटोटाइप तैयार किया। लेकिन अब बात थी कि भैया उस समय पर के जो जहाज थे वो ना तो इतने एडवांस थे, ना उनमें इतने फीचर्स थे, इसलिए वो एक बेसिक मॉडल था, तो उनको कोई ले नहीं रहा था। जब ये अमेरिकी सरकार के पास भी अपने जहाज़ों का प्रपोजल लेके गए तो उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इनकी किस्मत पलटने लगी, क्योंकि तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया और अमेरिका भी उसमें कूद गया। तभी विलियम बोइंग को लगा कि ये उनके लिए सुनहरा मौका है अपने जहाज़ों को बेचने का। फिर उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट ना बनाकर उन्होंने लड़ने वाले युद्धक जहाज बनाए, क्योंकि उस टाइम पर युद्ध शुरू हो चुका था, अमेरिका को सख्त ज़रूरत थी ऐसे प्लेन्स की। तो फिर अमेरिकी सरकार ने उनको 50 प्लेन का ऑर्डर दिया कि आप हमारे लिए लड़ने वाले जहाज बनाएं। फिर विलियम बोइंग ने अमेरिकी सरकार के कहने पर ही 50 जो विमान थे वो तैयार किए। तो इस तरह से उनकी कंपनी अब धीरे धीरे पटरी पर आ चुकी थी। फिर इन्होंने कुछ ही समय में अपनी कंपनी का नाम भी बदलकर बोइंग एयरप्लेन कंपनी रख दिया। अब कंपनी ने इस ऑर्डर को सक्सेसफुल पूरा किया और कंपनी के पास अब अच्छा खासा पैसा भी आ चुका था और अमेरिका में कंपनी एक बड़ा नाम भी बन चुकी थी। इसलिए फिर कंपनी ने सोचा कि क्यों ना अब कमर्शियल फ्लाइट भी बनाई जाए, और फिर कंपनी ने कमर्शियल फ्लाइट बनाने का काम भी शुरू कर दिया। इस तरह से जो पहले कंपनी युद्ध के लिए युद्धक जहाज बना रही थी, अब वही कंपनी कमर्शियल फ्लाइट भी बनाने लगी थी। इस तरह से कंपनी का जो एक्सपेंशन था वो भी काफ़ी तेज़ी से होने लगा। फिर 1928 में बोइंग ने कुछ छोटी बड़ी जो एयरलाइन कंपनियां थीं उनका अधिग्रहण करना भी शुरू किया, जिनमें कुछ बड़े नाम थे जैसे एवियन, चार्ल्स वॉट सिरोस्की एविएशन, सीटरमैन एयरक्राफ्ट, ब्रेंट एंड विंटनी और हैमिल्टन मेटल प्लेन। इस तरह की कुछ कंपनियों का इन्होंने अधिग्रहण भी किया। लेकिन फिर साल 1931 में इन सभी का आपस में विलय कर दिया गया और एक कंपनी बनी जिसका नाम था यूनाइटेड एयरलाइंस। यूनाइटेड एयरलाइंस के तहत फिर बोइंग कंपनी अपनी खुद की जो एविएशन सर्विस थी उनमें भी उतर चुकी थी। इस तरह से कंपनी ने अपने कारोबार को और भी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर कंपनी कमर्शियल फ्लाइट तो बना ही रही थी, दूसरी तरफ डिफेंस के जो उपकरण थे जैसे कि एयरक्राफ्ट थे वो बना रही थी। फिर इन्होंने स्पेस में भी एंट्री मारी, स्पेस के जो एयरक्राफ्ट थे वहाँ पर भी इन्होंने अपने जो विमान थे वो बनाने शुरू किए, साथ ही साथ नए नए इनोवेशन के काम भी ये करने लगे। इस तरह से कंपनी मिलियन डॉलर की बन चुकी थी। दोस्तों, समय के साथ साथ बोइंग ने काफ़ी तेज़ी से सफलता हासिल की, लेकिन विवादों में भी कंपनी का नाम रहा है। कंपनी का जो 737 विमान था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। साल 2018 में इंडोनेशिया और 2019 में इथियोपिया में इसकी विमान क्रैश हुआ था, जिसमें लगभग 350 लोगों की जान चली गई थी। तो उस 707 मॉडल का जो विमान था वो काफ़ी चर्चाओं में इसलिए भी रहा था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ थी।
फिर उस एक्सीडेंट होने के बाद सारी दुनिया में जो इस मॉडल के विमान थे वो पूरी तरह से स्टॉप हो गए थे। सभी जो एयरलाइंस थी उन्होंने 737 विमान पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार का खतरा हो। इसीलिए फिर लगभग 20 महीने तक ये विमान खड़ा रहा सभी एयरलाइनों का। उसके बाद फिर कंपनी ने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए, इसके सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे बदलाव किए। फिर फाइनली 20 महीने के बाद ही 737 वाला मॉडल दोबारा से हवाई यात्रा कर पाया। तो इस तरह से कंपनी का विवाद उसे भी काफ़ी सारा नाता रहा है। और समय समय पर ऐसे हादसे कंपनी के होते रहते हैं। अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था अमेरिका के अंदर, जहां पर उड़ते हुए जहाज में हजारों फीट की ऊंचाई पर जो जहाज उड़ रहा है उसका एकदम से खिड़की ही टूटकर निकल गई। वो कितने खतरे की बात है आप ही समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में बोइंग के बजाय एयरबस के विमान ज़्यादा हैं, क्योंकि एयरबस के विमान थोड़ी सस्ते होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बोइंग के देखें तो बोइंग के विमान हालांकि हाईटेक फीचर वाले तो होते ही हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। और भारत की जो विमान कंपनियां हैं वो थोड़े सस्ते प्लेन ज़्यादा प्रेफर करती हैं। हालांकि सस्ते हैं तो ऐसा नहीं है कि एयरबस के जो विमान हैं उनमें किसी तरह की कोई कमी है, वो भी फीचर से लैस होते हैं और सुरक्षा उनकी एक नंबर होती है। लेकिन कॉस्ट के मामले में अगर देखा जाए तो एयरबस थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए जो भारत की विमान कंपनियां हैं वो एयरबस को खरीदना प्रेफर करती हैं। हालांकि पहले एयरबस के ज़्यादा ही विमान बिका करते थे, लेकिन एयरबस में कुछ विवाद होने के कारण से उसकी सेल डाउन हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने प्राइस को थोड़ा सा कम करके मार्केट में बेचना पड़ा। तो दोस्तों वो पूरी स्टोरी क्या थी, कैसे एयरबस के विमानों के साथ विवाद हुआ था, वो सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी उस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इस तरह से एक लकड़ी बेचने वाले व्यापारी ने इतनी बड़ी बोइंग कंपनी खड़ी कर दी, वो भी अपनी मेहनत के दम पर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।